तो हे गाइस, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आपको पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि ये जो वीडियो है केवल जिसके पास ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है उसी के लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड के ऊपर। गाइस, अगर आपने कोई सा भी राशन कार्ड आवेदन किया है और जो आधार डुप्लीकेसी के अंतर्गत रिजेक्ट हो गया है, तो वो किस तरीके से क्लियर होगा, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमने अपना ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ओपन किया हुआ है। सिंपल यहाँ पे अप्लाई इंटीग्रेटेड सर्विसेज पे क्लिक करके दिखा देते हैं। चलिए ओपन करके दिखा देते हैं कि हमारा एक जो मैंने एक आवेदन किया हुआ था वो जो है रिजेक्ट हो गया है आधार डुप्लीकेसी के अंतर्गत। ये होता नहीं है गाइज, कभी कभी हो जाता है। जैसा कि सबसे पहले तो हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। देख आते हैं यहाँ पे आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रेसर यानी लॉक के लिए हम आते हैं। डिस्ट्रिक्ट चूज करना है हमको, उसके बाद से इसमें सिंपल राशन कार्ड नंबर दे देना। तो राशन कार्ड नंबर, ये रहा राशन कार्ड नंबर, इसको हम यहाँ रिनेम करके करते हैं कॉपी। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमको करना है पेस्ट। उसके बाद से हम सर्च कर दे रहे हैं। सर्च कर देने के बाद गाइज, ये 24 घंटे से ऊपर हो गया है, जबकि इसको लॉक हो जाना चाहिए, जबकि ये लॉक नहीं हो रहा है। इसमें कोई राशन का इस आधार कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है गाइज। अगर कोई दिक्कत होता तो ये आवेदन होता ही नहीं, आवेदन होने से पहले ही बता देता कि इसका ऑलरेडी कहीं पे राशन कार्ड बना हुआ है और चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे फाइनल लॉक पे आते हैं, ओके करते हैं, ये लॉक नहीं होगा गाइज। ये अभी दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखिए, अभी ये डुप्लीकेसी के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे करते हैं ओके। अब यहाँ पे डुप्लीकेसी को चेक करते हैं। डुप्लीकेसी को चेक करने के लिए जहाँ से हमने ट्रांसफर किया हुआ था आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रेसर पे हमको फिर करना है क्लिक। उसके बाद से वही राशन कार्ड नंबर डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद हमको कर देना है पेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, हमने जैसे ही सबमिट किया, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आधार जो है डुप्लीकेसी के अंतर्गत निरस्त हो गया। अब निरस्त हुआ क्यों है गाइज, जब जितने भी आधार कार्ड होते हैं, जब हम आवेदन करते हैं स्टेट लेवल पे फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब स्टेट लेवल पे क्या होता है, जैसे कि यूपी में जो भी राशन कार्ड कहीं से भी आवेदन होगा लखनऊ में जाएगा, जबकि लखनऊ से जब पास होता है तो लखनऊ में होता क्या है गाइज, कोई कैंडिडेट इसको चेक नहीं करता है। जो भी चेक करता है सारे का सारा सॉफ्टवेयर चेक करता है। सिंपल सॉफ्टवेयर से कोई गलती हो जाती है कभी कभी, जिसके लिए ये डुप्लीकेसी के अंतर्गत निरस्त कर देता है। जबकि ये अगर इस आधार कार्ड से अगर कहीं और राशन कार्ड बना होता तो सिंपल जैसे ही हमने आवेदन किया होता तो वहाँ पे तुरंत दिखा देता कि ये राशन कार्ड नंबर है, इसमें ये आधार चल रहा है। तो सिंपल हमको क्या करना है, कुछ करना नहीं है गाइज, इसका कोई सल्यूशन नहीं है। लेकिन फिलहाल बस हमको 10 से 15 दिन का वेट करना है। 10 से 15 दिन में ऑटोमेटिक जो है ये क्लियर हो जाता है। अब 10 या 15 दिन बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन एक्सेप्ट हो जाएगा। जबकि अगर ये डुप्लीकेसी के अंतर्गत अगर कोई सा भी रिजेक्ट हो जाता है राशन कार्ड, तो सिंपल अगर आप आवेदन करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तुरंत करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि दिखा देगा कि ऑलरेडी आपने आवेदन किया हुआ है, तो उसके लिए वो क्लियर हो जाता है 10 से 15 दिन में। 10 से 15 दिन बाद आप आवेदन करना पड़ेगा आपको, यानी दूसरा नया फ्रेश आवेदन करना पड़ेगा, तभी ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 2-3 बार किया हुआ है, हो गया है मेरा। बस इसका और कोई सल्यूशन नहीं है गाइज, सिंपल। और कहीं भी आप जाएंगे परेशान होंगे तो कोई फायदा नहीं है। सिंपल बस वेट कीजिए 10 से 15 दिन का, उसके बाद से सिंपल नया आवेदन करिए, 100% हो जाएगा। बस इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।